સરકાર દ્વારા લાગુ પાડવામાં આવેલ એનઆરસી સીએએ અને એનપીઆરના વિરોધમાં આજે પણ લિંબાયતમાં ધરણા પ્રદર્શન ચાલુ છે. છેલ્લા 5 દિવસથી ચાલી રહેલ ધરણા પ્રદર્શનમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓએ ભાગ લઈ આ કાયદાને નાબૂદ કરવા માંગ કરી છે. जी मेरा नाम रुखसाना खान है. ये जगह है लिंबायत ओम नगर. यहाँ पे एनआरसी सीएए और एनपीआर के विरोध में एक धरना का प्रोग्राम चल रहा है. जहाँ दिल्ली में एक साइन बाग बना है ऐसा, एक सूरत में भी हमने साइन बाग बनाया है. और 5 दिन से लगातार हम यहाँ हर कम्युनिटी की बहनें, माइनॉरिटीज़, एसटी एससी ओबीसी और सब कम्युनिटी लोग बैठ के एक कायदे के संविधान के विरुद्ध में जो ये बिल पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, इसका विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं. और जब तक ये कायदा नाबूद नहीं होगा और सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगी, जब तक यहाँ सब बहनें बैठेगी और अपना हक मांगती रहेगी. अगर हक नहीं मिला तो हम छीन के भी लाएंगे. करीबन हम लोग यहाँ 5 दिन से बैठे हुए आगे, जब तक कि ये कायदा वापस नहीं होता और हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक यहाँ डट के बैठे रहेंगे, चाहे हमें मरना भी क्यों ना पड़े. कम से कम यहाँ रोज 1000 से 1500 बहनें अपना काम काज छोड़ के, बच्चे छोड़ के अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठी है और सरकार के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है कि वो बहनों की आवाज़ सुने. मोदी ने एक समय में हम बहनों को भाइयों की बहन बनाया था और ऐसा भाई साबित हुआ है कि आज ऐसे भाई के नाम से बहनें थर थर काँप रही है और अपना इंसाफ मांगने के लिए घर से, पर्दे से रोड पे आना पड़ा है उनको. बहन सूरत सिटी के हर एरिया में से, हर कोने कोने में से बहनें स्वेच्छाएं अपनी मर्जी से यहाँ बैठी है. हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि इससे किसी की नागरिकता इससे जाएगी नहीं, लेकिन देने वाली है. तो मैं गृह मंत्री साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ. जब 1951 से हमारा देश, कोई चाहे कोई भी सरकार हो, जब सबको नागरिकता दे रहे हैं, तो फिर ये सीए की ज़रूरत क्यों हुई? ये हम सवाल करना चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय में हर बार, हर साल लाखों जो एप्लीकेशन आती है उससे हम देखभाल की नागरिकता देते ही है, फिर ये अचानक इस कानून की ज़रूरत क्यों हुई? चलो ठीक है, आप नागरिकता देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका तो ये है कि आप 10 लोगों को खाना खिला रहे हैं और 2 लोग जो बेचारे भूखे उनको कह रहे हैं हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे, तो फिर ये कैसा इंसाफ हुआ उनका? अगर आपको मानव नागरिकता सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वालों को ही दी जा रही है, सीधी सी बात है कि हिंदू वहाँ माइनॉरिटी में है, तो आप साबित क्या करना चाहते हैं कि माइनॉरिटी हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है? इस्लामिक कंट्री उन पर जुल्म कर रही है. अगर आपको नागरिकता देनी है तो आप श्रीलंका वालों को क्यों नहीं दे रहे? श्रीलंका में तमिलियंस आते हैं रोज़ भाग के, कई बार भाग के आते हैं. नेपाल में अगर जुल्म होता है तो बौद्धिस्ट आते हैं, दलाई लामा को हमने नागरिकता दी है. अगर चाइना में होता है तो क्रिश्चियन वहाँ भाग के इंडिया आते हैं, तो क्या वो उन लोग पर आपको रहम नहीं आ रहा? आपको सिर्फ लघु यही कहना है या फिर इस्लामोफोबिया है कि बदनाम करना है कि देखो भाई मुस्लिम कंट्री में लघुमती पे इस तरह जुल्म हो रहा है? और एक बात, नागरिकता में क्या लिखा है बिल में कि 31 दिसंबर 2014 से के बाद जो आए, पहले जो आया उनको हम नागरिकता देंगे. तो 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि इनके आने के बाद पूरे दुनिया में जो जुल्म हो रहा है वो बंद हो गया है? मैं गुरुमंत्री से सवाल पूछना चाहती हूँ. साइन बाग में लोगों ने मांग की कि आइए हमसे बात कीजिए, तो ठीक है, आज उनका स्टेटमेंट आया है कि हाँ हम बात करते हैं, तो बात करेंगे, तो क्या बात करने के बाद भी हमें हमारा मसला जो हमारा हल होगा, ये सीए वापस होगा, एनआरसी वापस होगा, एमपीआर वापस होगा? अगर आपको
एनआरसी के विरोध में बैठना ही है तो आप कब तक बैठ सकते हैं? जब तक कानून वापस नहीं होगा या हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे हम बैठेंगे। आप कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? ये हमारा पांचवा डे है दिल्ली में, तकरीबन 2 महीने से बैठे, उसी की तर्ज पे हम यहाँ बैठे हैं। मेरा नाम आयशा बारडोली वाला है। अच्छा, आप स्कूल पढ़ती हो? नहीं, मैं स्कूल नहीं पढ़ती, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। आप क्या चाहते हो, यहाँ किस लिए आए हो? मैं यहाँ ओम नगर सूरत में इस धरने पर बैठे हैं कि सरकार ने जो अचानक ये काला कानून लाया है, CAA, NRC और NPR, हम इसके खिलाफ है। ये काला कानून अचानक क्यों? हम यहाँ बरसों से हमारे बाप दादा रह रहे हैं और हम इसका प्रूफ क्यों दें कि हम हिंदुस्तानी है या नहीं? हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, वो सब रद्द है और हमारे पास प्रूफ मांगा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं। मोदी ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? गीता का श्लोक है वसुदेव कुटुम्बकम, के पूरी दुनिया एक परिवार है और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर वालों को ये सिर्फ हिंदुओं को वहाँ पर प्रूफ दे, वो दे देंगे कि यहाँ के ये इनको इसमें दाखिल करेंगे कि ये हमारे देश के नागरिक है और हमारे ही देशवासियों को ये NRC के जरिए, CAA के जरिए नागरिकता में से निकाल रहे हैं। ये कैसा कानून है किसी के समझ में नहीं आता। और इससे एकली मुस्लिम मेजोरिटी नुकसान में नहीं है, इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इससे नुकसान में जाएंगे। जिन लोगों की ये सोच है कि इससे सिर्फ मुसलमान घाटे में है, इससे सिर्फ मुसलमानों को नुकसान, ये गलत है। जब ये लागू होगा, आज आसाम की हालत जाकर देख लो, वहाँ NRC हुआ है, वहाँ सिर्फ 5 लाख मुसलमान हैं जिनका नाम उसमें नहीं आया है नागरिकता कानून में, बाकी 15 लाख हिंदू है। इसमें हिंदू मुस्लिम सबका नुकसान है। और ये काला कानून क्यों, जब संविधान में लिख दिया गया है जिस किस्म का कि भाई इस तरह यहाँ पर पैदा हुए हैं तो वो यहाँ का होगा, उसके माँ बाप में से किसी भी एक भी हिंदुस्तानी है तो वो यहाँ नागरिकता उसको मिलेगी। फिर ये सब जो संविधान, क्या उनकी कुर्बानियाँ ज़ाये हो गई? ये सरकार 5 साल से बैठी है तो उसमें पुरानी जो आज़ादी की जंग हुई उसके बाद इतने 2-2.5 बरस का संविधान लिखा गया, क्या वो सब फेल कर देंगे? नहीं, हमको अम्बेडकर से बहुत मोहब्बत है, हमको गांधी से बहुत मोहब्बत है, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, हम इन सबको दिल से सलाम करते हैं और हम इनके संविधान को भी सलाम करते हैं और हम उसी संविधान पर चलेंगे। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमको इस पर से हटा सके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई, इसी गली की यह खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे। न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएंगे। तुम कहो कि आज निकल जाओ और कल आ जाओ, यह हरगिज नहीं होगा। यह हमारे बाप दादा की सरजमीन है और यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं पर दफन होंगे। और हम, मेरी बात सुनो, हम हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर रहेंगे। तुम्हारी राजनीति को छोड़ दो कि तुम हिंदू अलग मुस्लिम अलग, हमारे देश का हर नागरिक आपस में एक दूसरे से बड़ा मोहब्बत करता है। जितने भी दंगे हुए हैं, हमारे पड़ोस के हिंदू ने हमको कुछ नहीं करा है, ये कहां से आते थे और मुसलमानों को मारते थे ये हमको नहीं पता। ये नफरत की राजनीति बंद कर दो, नहीं तो एक एक नागरिक आपको घुल कर खा जाएगा। तुम हम मुसलमानों को खास कर खाने की बात करते हो, तुम हमको निगलोगे, हम हलक में अटक जाएंगे। हम ऐसे हिंदुस्तानी है और हम वतन से मोहब्बत करते हैं, हमको वतन से बहुत मोहब्बत। आई लव माई इंडिया, आई प्राउड ऑफ इंडिया। इतना प्यार करते हैं जबकि हम 5 वक्त उसको चूमते हैं, नमाज पढ़ पढ़ के चूमते हैं, इस धरती पे हम लोग सजदा करते हैं, क्यों जाए हम लोग, क्यों अपना प्रूफ दे? हर बार मोदी जी आप क्यों हमें नाराज करते हो? आप तो हम तो आपकी बहने हैं ना, हम तो आपकी बहने, फिर आप क्यों हमारे भाई नहीं बन पा रहे हो आज तक के? क्यों ऐसा ही हो रहा है हमेशा? हम तो 5 वक्त नमाज पढ़ के यही धरती को चूमते हैं और यही धरती से आप हमको निकालना चाहते हो, क्यों निकालना चाहते हो भाई? तुम एक मर्तबा इंसाफ की राजनीति कर तो देखो, हर हिंदुस्तानी तुम पे कुर्बान हो जाएगा। क्यों कर रहे हो नफरत की राजनीति? अरे मोहब्बत की राजनीति कर तो देखो। वोटों से हमने आपको जिताया है, इन्हीं वोटों से हमने जिताया है आपको। इसी आज ये दिन देखने के लिए नहीं जिताया आपको कि आप हम मुसलमान और हिंदुओं में आप झगड़ा लगा दो। ये बहुत गलत बात है मोदी जी, अगर आपको हमने जिताया है तो आप नफरत की आग मत बुझाओ। देखो ये आग अगर लग जाएगी तो इसका बुझने का कोई नामो निशान नहीं है। ये आग अगर पूरे देश में लग गई तो कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। हमारे से, हमारी गृह मंत्री से खास रिक्वेस्ट है कि इस कानून को बाइज्जत तरीके से वापस ले ले, वापस लिया जाए। ये कानून नहीं चाहिए हमें, ये कानून जिसने हम बच्चों भी, आम बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे लेके जो शाहीन बाग में गोली चली, इसका भी हमें प्रूफ चाहिए। कौन था वो गोली मारने वाला, किसने गोली मारी उस बच्चे को? उसकी अगर जान चली जाती तो मोदी जी किसका क्या कर लेते हम लोग? क्यों ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हर बार इस तरह हमें प्रूफ
क्यों देना पड़ता है? जी मेरा नाम नजमा है। जी हम यहाँ पर 27 तारीख शाम को दोपहर में 2 बजे हम सिर्फ 4 लेडीज बैठी थी। मैं ऊन से हूँ, हमारे साथ दूसरी रुखसाना खान है, सबाना है, हम 4 एरिया से 4 लेडीज़ हमारी मर्जी से बैठी थी, ना ही हमें किसी ने यहाँ बिठाया, हम अपनी मर्जी से यहाँ बैठी, ना हमने किसी को बुलाया, ना हमने किसी को दावत दी। आज हम बताना चाहेंगे कि हम जिस दिन से बैठे हैं उस दिन से लेके आज तक यहाँ हजारों की तादाद में महिलाएं अपने बच्चों की स्कूल, अपने शौहर का काम धंधा सब कुछ छोड़ के, अपने घर बार का खाना पकाना सब कुछ, अपने घर की जवाबदारी छोड़ के यहाँ अपनी खुशी से आके बैठती है। औरतें अपनी हर घर की जवाबदारी छोड़ के, कहीं औरतें काम करती है वो भी अपना काम छोड़ के बैठी है, और हमारी ये उम्मीद है और ये हम मोदी जी से, मैं मोदी जी से और अमित शाह से और योगी जी से कहना चाहूँगी कि योगी जी ने कहा है कि मुल्ला लोगों ने अपनी बीवियों को घर से बाहर निकाल दिया बच्चे लेके, तो ये मुल्ला लोगों ने निकाला। दूसरी बात, मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस दिन आप नेता बने थे, जिस दिन आपने नेतागिरी चालू की थी, उस दिन कभी समाधान खोल के पढ़ा था? AK-47 में और AK-50 में अगर आपने पढ़ लिया होता तो शायद आप ये राजनीति खेलते ही नहीं, और ना ही आप NRC CAC ये लागू ही नहीं करते हैं। इसलिए मेरा मोदी जी से कहना है कि आपने बहुत कर लिया, अब बंद कर दो, ये तब बंद कर लो ही तो अच्छा है, अभी तो पब्लिक यहाँ बैठी है, हो सकेगी तो अगर हमें हमारा इंसाफ नहीं मिला तो हम रोड पे उतर जाएंगे, ये हमारी मांग।